इतना सारा गिफ्ट। टाइम स्क्वायर बहुत ज्यादा क्राउडेड है, सीट का मूड बहुत ऑफ है। मैरी क्रिसमस एवरी वन, हैप्पी हॉलीडेज। तो आज 25 दिसंबर है एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग बताना किस तरीके से आपने ये क्रिसमस का वेकेशन को सेलिब्रेट किया, बिकॉज मुझे लगता है ये जो टाइम है इंडिया में भी बंद रहता है ना, अभी पहले हम लोगों के टाइम में तो था लाइक हॉलीडेज रहता है ना, विंटर वेकेशन रहता है ना। तो जो भी हो, कल लौटते लौटते शाम हो गया था, पर कल हम लोग लौटते हुए हम लोग एडिसन भी रुके, फिर हम लोगों ने खाना खाया वहाँ पर, फिर कुछ सामान खरीदना था, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी खरीदा। ओवरऑल दिस वेकेशन वॉज रियली गुड। मैं बोलूंगी जो लोग ने कभी भी पेंसिल्वेनिया, यू नो इफ यू लिव इन दिस ट्राई स्टेट एंड कभी भी आप लोग ने क्रिसमस टाइम पे यू डिन गो टू पेंसिल्वेनिया, यू शुड डेफिनेटली गो। मजा आ जाता है, इतने सारे क्रिसमस विलेज है एंड ओवर द टॉप ना एवरीथिंग इज सो चीप। लाइक खाने का तो इतना सस्ता था क्योंकि न्यूयॉर्क ना सो एक्सपेंसिव, सो वी कुड फील द डिफरेंस। इनफैक्ट न्यू जर्सी ऑल्सो इज एक्सपेंसिव, बट वहाँ पे यू नो फूड एंड ऑलवेज सो चीप। सॉरी मैं अभी जस्ट उठी एंड क्रिसमस टाइम में जा रहे हैं ना, तो टोटली यू कैन फील दैट क्रिसमस वाइब एंड स्पेशली द क्रिसमस विलेज। जैसे मैं बोल रही थी ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्रिसमस विलेज है। सो डे टू पे ना हम लोगों ने थोड़ा बेथलम सिटी एक्सप्लोर किया क्योंकि बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है। वी वेंट टू ए म्यूजियम एंड देन दिस इज़ अ स्टील प्लांट। इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट स्टोर ऑफ दिस स्टील प्लांट। डेफिनेटली ये स्टील प्लांट बहुत सालों पहले ही बंद हो गया था, बट इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड सिद्ध के साथ यू नो छोटा बच्चा रहता है तो इट्स नॉट पॉसिबल, तो हम लोगों ने बाहर से ही देख लिया। बेथलम से एक घंटे की दूरी पे देयर इज वन मोर क्रिसमस विलेज, तो वो देखने जा रहे हैं। तो वो 4:30 को, क्योंकि क्रिसमस लाइट रात को ही अच्छे लगते, दिन में तो क्या समझ में आएगा, तो 4:30 को ओपन होगा। होप सो 5:30 तक तो अंधेरा हो ही जाएगा, तो वही हम लोग देख के आएंगे। बट हम बेथलम इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस एंड परफेक्ट फॉर क्रिसमस टाइम। लाइक वो लोग फुल यू नो छोटा जो टाउन है वो लोग सजाते हैं फॉर क्रिसमस एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो। दिस क्रिसमस विलेज जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं ये बहुत फेमस है। ऐसे तो बहुत सारे जगह पे क्रिसमस विलेज होता है, बट द स्पेशलिटी ऑफ दिस क्रिसमस विलेज इज दैट दिस क्रिसमस विलेज ना इज 70 years ओल्ड एंड जिस तरीके से 70 years पहले होता था ना वैसे ही वो लोग ने रखा है। लाइक दे डिड मॉडर्नाइज इट, तो हम लोग बहुत जल्दी लाइक इट वॉज गुड ओनली कि हम लोग 5:30 पे ही पहुँच गए थे। लाइक हम लोग जब पहुँचे देन ओनली इट स्टार्टेड। सो दिस वॉज द विंडो डिस्प्ले जैसे कि जो पुराने जमाने में होते थे। दिस इज समथिंग आई फेल्ट इट रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज क्रिसमस विलेज जैसे मैं बोल रही हूँ मॉडर्नाइज तो हम लोगों ने देखा है, बट हाँ पुराने जमाने में कैसा होता था। इफ यू वॉन्ट दैट वाइब डेफिनेटली जो लोग ने एक्सप्लोर नहीं किया है, अभी ये साल तो खत्म, ये साल तो स्टार्ट हुआ है 2024 का दिसंबर में, यू ऑल कैन ट्राई इट। ये फुल विलेज एक्सप्लोर करने में एटलीस्ट आपको 1 hour चाहिए एंड इन द मिडिल इफ यू वांट यू कैन सिट, यू कैन एंजॉय एंड जस्ट सी मुझे क्या दिख गई, एक इंडियन वोमेन। लाइक यहाँ पे वो लोग ने शायद सारे कंट्रीज के ही बनाए थे, तो वही धीरे धीरे अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वन वी आर गोइंग यू नो एंड वी आर सीइंग द विंडो डिस्प्ले कैसा होता था। तो खाने के भी बहुत सारे स्टॉल्स थे एंड आई डोंट नो हाउ मच आई वॉज एबल टू कैप्चर क्योंकि उसके बाद ना बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया था। एंड ये भी एक सच्ची बात है, समवेयर आई फील कि जाके मज़ा लो ना, उसका एक फ़न अलग ही होता है। बट देन ऑल्सो आई वॉज एबल टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि देखिए 70s में किस तरीके से क्रिसमस विलेज होता था। तो फाइनली वी आर डन एंड रात भी ऑलरेडी हो गया है, तो चलिए अभी निकलते हैं। रेक्स भी रेडी है, राय भी रेडी है, सेज भी रेडी है।
क्रिसमस गिफ्ट। चलो तो ये सना ने दिया है सिद को। मामा आर यू एक्साइटेड टू ओपन योर गिफ्ट? देखो रेक्सरो गिफ्ट आछे तो ब्रिंग योर बैग। या रेक्स का एक्साइटेड एक्साइटमेंट देखो। हेलो कट इट मा, गिव इट। सो राय का फर्स्ट गिफ्ट है अगली स्वेटर। वाइफ इसको अगली स्वेटर, यार मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। हंस रही है राय, मतलब सब लोग समझ जाओ। सी दिस टोटली एक्साइटेड अबाउट दिस। उसके तरह तो देखा ही नहीं लेगो की तरफ। चलो कोई बात नहीं। ये शॉमिक का गिफ्ट जो राय ने खरीद के दिया। ओपन इट एंड सी व्हाट इज इट। वी होप यू लाइक इट। What is it? Yes, it's true. Dad joke. Dad jokes. So, Rai ko mila itna sara gift. Ye hai, you know, perfume. To perfume, ek bada dekhe kya hoga, to maine isliye chota chota diya hai. So that she can see kaun sa usko achha lagta hai. मैं भी थोड़ा यूज़ करके देखूँगी। या फिर नेल पॉलिश, इस बार मैंने ग्लिटर ग्लिटर वाला दिया है बिकॉज यू हैव द प्लेन वन। फिर दिस इज़ ज्वेलरी स्टैंड राइट, दिस ऑल आर अमेज़न से ज्वेलरी स्टैंड। फिर ये बहुत अच्छा, ओपन दिस वन। तो राय हर वक्त राय ठीक ही बोलती है, बोलती सोने का पहनती है ना तो एक रिंग रहता है, तो शायद राय लगी मम्मी गिव मी अ लॉट ऑफ इयर रिंग। एंड यू वोंट बिलीव इतना सारा सेट वाज ओनली $15। या जस्ट लुक गाइस, $15 में इतना सारा इयर रिंग। आई लाइक दिस वन मामा, कैन यू गिव मी दिस वन? या गो अहेड। सी इतना सारा। Oh my God! And ये तो एक stand है। फिर what is this? फिर ये कुछ एक बोलते हैं। Sony Angel, हाँ। ये show me how it will be। हाँ। ये बच्चे teenagers को बहुत पसंद है। Mick ने specially Rai के लिए एक bag दिया है। हाँ, यहाँ पे है। हाँ, एक bag दिया है राय के लिए। एंड मैंने मोस्टली छोटा छोटा सामान ही दिया है। यू नो दिस इज गुड, ये मुझे अच्छा लगा। दिस इज यूवी लैम्प, नेल पॉलिश सुखाने के लिए, तो जल्दी हो जाएगा, नो नीड टू वेट बिकॉज मोस्ट ऑफ यू नो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। दिस ऑल आर फ्रॉम अमेजन। देन ये कुछ राय को चाहिए था, दिस इज सम प्रोजेक्टर लाइट, ये बच्चों के लिए। सो इसे बोलते हैं दिल तो अभी बच्चा है जी। दिल से राय अभी भी बच्ची है, राय को चाहिए था ऐसा। When you will do it? Can you tell me? At night, राय ऐसा करके सोएगी। क्रिसमस के लंच के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो मैं साउदर्न स्टाइल चिकन ले रही हूँ। उसके लिए फर्स्ट मैंने मैदा लिया था, उसके बाद मैंने ऐड किया है अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड देन वी विल ऐड द चिकन पीसेस इन इट एंड लेट इट बी मैरिनेटेड फॉर अराउंड हाफ एन आवर। तो चाहे तो ना आप डीप फ्राई कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट डीप फ्राई, मैं जस्ट चिकन को ना शैलो फ्राई कर रही हूँ। एंड फिर जो ये मिक्सचर है ना, डोंट थ्रो दिस मिक्सचर, वी विल नीड इट। तो आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ताकि दोनों साइड हल्का हल्का क्रिस्पी हो, दैट्स इट। सो सी क्रिस्पी हो गया है, अभी चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे पैन पे मैंने थोड़ा ऑयल लिया है एंड अनियन को ना अभी हम लोग कैरेमलाइज करेंगे इन मीडियम फ्लेम। एंड मुझे लगा चिकन के साथ लेट मी मेक सम बीन्स ऑल्सो, सो यहाँ पे मैं बीन्स को ना बॉयल करने के लिए दे रही हूँ। एंड रात को तो मेरे फ्रेंड के घर जाएंगे। तो सी अनियन कैरेमलाइज हो चुका है एंड चलिए अभी इसको निकाल के रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्रिसमस डे पे ये सारे रेसिपी बनाना, यू कैन मेक इट एनी डे। ये बीन्स का रेसिपी तो बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी है,
सो फाइनली बीन्स आर डन एंड इसको स्ट्रेन कर लेंगे एंड कीप इट इन कोल्ड वाटर लाइक तो कलर सेम ही रहेगा. तो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा बटर लिया है एंड देन आई हैव एडेड गार्लिक इन इट. तो धीरे धीरे अभी हम लोग फ्राई करेंगे. उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो पाउडर था ना, लाइक जो मिक्सचर था ना जिसने हम लोगों ने चिकन को मैरिनेट किया था, वो मैं आई जस्ट ऐड 2 टीस्पून. ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा बिकॉज उसमें भी यू नो ऑल द एरोमास आर देयर. तो फ्लेम को अभी आपको मीडियम से लो पे रखना है. एंड नाउ ना मैंने पानी ऐड किया है, बट इंस्टेड ऑफ पानी ना ऐड ना चिकन स्टॉक और वेज स्टॉक इन इट, पर मेरे घर में नहीं था क्योंकि चिकन स्टॉक ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छा एरोमा आता है. तो नाउ आई हैव एडेड द चिकन एंड देन ना ये लो फ्लेम में धीरे धीरे होगा. चलिए बीन्स को फ्राई करते हैं. तो पैन में मैंने थोड़ा बटर लिया है, उसके बाद मैं इसमें अगेन ऐड कर लूँ लिटिल बिट ऑफ फाइनली चॉप गार्लिक एंड मैंने थोड़ा वॉलनट को ना फाइनली चॉप कर लिया था. इफ़ यू वांट आप एलमंड्स को भी फाइनली चॉप कर सकते हैं, लाइक वॉट एवर नट्स यू वांट. तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा ड्राई चिली फ्लेक्स ऐड किया है एंड सॉल्ट. तो इसका भी फ्लेम मीडियम रखेंगे एंड देन वील ऐड द बीन्स एंड टॉस इट. ये बहुत ही जल्दी हो जाता है एंड इफ़ यू वांट यू कैन बेक द एंटायर प्रोसेस. अभी ना इसमें मैं थोड़ा लेमन ज़ेस्ट ऐड करूँगी, इससे बहुत ही एक अच्छा एरोमा आता है. तो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं देंगे. वी डोंट वांट टू मच लेमनी फ्लेवर इन इट एंड बीन्स आर ऑलरेडी बॉयल. तो ये जस्ट आपको फ्राई कर लेना है एंड देन इट्स डन. सो चिकन भी काफ़ी लंबे टाइम तक हो रहा था तो एट द एंड मैंने इसमें कैरामलाइज अनियंस ऐड कर दिया है, थोड़ा सॉल्ट. पहले भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था एंड बस इट्स डन. अभी चलिए सर्व कर देते हैं लंच. सो ये रहा हम लोगों का क्रिसमस का लंच. Try your Christmas lunch with. आप लोग पता ना ये स्वेटर अगली है कि नहीं. राय बोल रहे कि चिकन इट सीम्स बहुत ही टेस्टी हुआ था. अभी आप बोलेंगे क्यों पायल तुम क्यों नहीं बोल रही हो, क्योंकि मैंने खाया ही नहीं. मुझे ना ये ऐसा बड़ा बड़ा चिकन ना मुझे बिल्कुल भी पसंद है. आई लाइक दैट हैन, वो छोटा छोटा होता है ना जो आप लोग बहुत जन बोलते हैं नहीं वो भी चिकन है. या इट्स द सेम ओनली. तो मुझे ना ये सब यार मैं बहुत देसी हुई यार, मुझे ना ये सब पसंद नहीं आता है. लाइक ये तीखा है ना और कुछ भी नहीं होता. आई फील इट्स सो ब्लेंड. तो वो दोनों को बहुत अच्छा लगा एंड बीन्स एक्चुअली बहुत ही टेस्टी हुआ था. तो कल आने के बाद ना मैंने रात को कुछ खाना बनाया था तो वो था, मैंने उससे ही थोड़ा राइस खा लिया. एंड देन माय मेन मिशन वाज टू क्लीन एंड सारे बर्तन देना, तो वो सब हो गया है. तो शाम में क्यों ना सीत को लेके चले गए नहाना, लाइक नहलाने एंड ऑल. एंड जाने से पहले मैं सीत के लिए थोड़ा राइस बना के लेके चली जाऊँगी. तो चलिए अभी मैं नीचे जाती हूँ, लेट मी टेक ए शावर, सीत को मिल्क पिलाती हूँ ताकि वो सो जाए. तो ये रहा राय का न्यू सेटअप, पता नहीं कितना दिन रहेगा. एंड यहाँ पे चल रहा है नेल्स. हाउ इज इट मा? तो मैं तैयार हो गई हूँ एंड अभी 5 बजने वाला है. क्योंकि हम लोगों के सभी फ्रेंड ना बहुत ही दूर दूर रहते हैं, एटलीस्ट 1 आवर. लाइक अभी जो मेरी बचपन की या स्कूल की फ्रेंड है, मैनी ऑफ यू नो, बहुतों ने देखा है, तो निवेदिता इज़ ओनली 1 जो अभी 1 घंटा दूरी पर रहती है. बाकी सभी लोग 2 आवर्स ऐसा 1.5 आवर्स ऐसे दूरी पर रहते हैं. 1 सेकेंड में ट्राईपॉड को लगा दी. हो गई है. तो यहाँ पर राय भी तैयार है, सिद्ध भी तैयार. सीध का मूड बहुत ऑफ है. तो ये रही मेरी स्कूल की फ्रेंड निवेदिता. मेनी ऑफ यू नो निवेदिता, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, निवेदिता का बेटा एंड राय आर ऑफ द सेम एज एंड निवेदिता ने बहुत कुछ खाने पे बनाया था, फ्रॉम फिश यू नो पनीर, चिकन, गोभी, पास्ता एंड उसने इतना सारा स्टार्टर भी बनाया था. तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा. यू नो स्कूल की सहेली का बात ही कुछ अलग होता है. सो क्रिसमस वाइफ कंटिन्यूज. कल हम लोग का रात आते आते इट वॉज 12 o'clock एंड आज अभी दोपहर का टाइम. हम लोग तीनों ही आज और सिद्ध ने यू नो सिद्ध इज रियली टायर्ड. तो सना आई है तो नाउ अभी ऐसा 1:30 ऐसा हुआ है. तो हम लोग जा रहे हैं सिटी, अच्छी जगह पे मतलब बैठ के अच्छी तरीके से लंच खाने. सो
बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, हम लोग को एक घंटे से ज्यादा लगा। हम लोग भी स्टार्टेड एट 1:30, नहीं तो ऐसा तो 30 मिनट्स ही लगता है, तो जो भी हम पहुंच गए। एक बेटी एंड पापा का रिश्ता भी अलग होता है, राइट? तो राय ने इस बार बहुत एंजॉय किया बिकॉज शौमिक ने भी छुट्टी लिया था। तो फर्स्ट हम लोगों ने लिया था स्टार्टर में लॉलीपॉप एंड श्रिम्प। श्रिम्प तो मैं नहीं खाती हूँ, सो आई जस्ट एट द लॉलीपॉप। एंड हम लोगों ने इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं लिया था। देन वी टुक फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन, एंड शौमिक एंड राय दोनों ने कुछ नूडल्स लिया था। आई थिंक सो दिस वन वॉज गार्लिक चिली नूडल्स, जो बहुत ही टेस्टी था। तो खाने के बाद शौमिक वाज लाइक कि राय चलो एक कैफ़े है, मैं तुमको लेके जाऊंगा, क्योंकि न्यूयॉर्क में ना कैफ़े बहुत ही अच्छे होते हैं। न्यूयॉर्क का एक्चुअली खाना बहुत टेस्टी होता है, एंड फॉर दिस रीज़न ना एक्चुअली हम लोगों के यहाँ पे इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है। सो खाना तो बहुत ही टेस्टी था, लाइक उत्सव द चाइनीज फूड इज द बेस्ट, यू नो। यहाँ मैं ऐसा भी बहुत ही चाइनीज मिलते हैं, बट इंडियन चाइनीज उत्सव का एक क्लास है। एंड अभी रायन शौमिक देयर इन अ कॉफ़ी शॉप, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही सिटी में अच्छे अच्छे कॉफ़ी शॉप है। एंड मैं जा रही हूँ डिज्नी स्टोर बिकॉज आई हैव सम पॉइंट, एंड जब इतने करीबी है ना कुछ मैं खरीद के लेके जाती हूँ, बस खरीदेंगे एंड देन फिर चले जाएंगे घर। एंड टाइम स्क्वेयर इज सुपर क्राउडेड दिस टाइम ऑफ द ईयर ना, टाइम स्क्वेयर सबसे ज्यादा क्राउडेड होता है। टाइम स्क्वेयर बहुत ज्यादा क्राउडेड है, लाइक मैं धक्का मार के मैं अंदर आई। बहुत ही क्राउडेड था, पर अच्छा हुआ, यू नो आई स्पेंड ऑल जितने सारे रिवॉर्ड मेरे पॉइंट्स थे। फिर और कौन आएगा, पहले ये कार्ड बहुत ही अच्छा लगता था हम लोगों को, नाउ आई फील इट्स लॉस। तो अभी घर चले जाएंगे एंड उसके साथ ही मैं ये क्रिसमस का ब्लॉग मेरा एंड करती हूँ। दिस ईयर बहुत ही अच्छा हम लोगों का क्रिसमस रहा, इसलिए लास्ट ईयर ना राय फुल बीमार थी, लाइक कुछ वायरस हो गया था, तो आई रिमेम्बर आज लाइक क्रिसमस के डे से राय बीमार हो गई थी, तो फुल हम लोग का 31st तक ऐसा ही चला था। एंड यह हम लोग का पार्किंग भी पहुँच गए, तो आई होप सो आप लोग सब अपना एंजॉय क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई विल ट्राई टू मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, अंटिल देन मैरी क्रिसमस एंड हाँ विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।